Yeah. माय डियर स्टूडेंट्स, आज लेक्चर में हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन का डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन कितने तरीके का होता है और कब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशंस होते हैं, कब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मोर देन वन सॉल्यूशंस होते हैं, या आप कह सकते हैं इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, और कब उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो ये हम लोग देखेंगे कब सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट होगा और कब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो बात करेंगे कंसिस्टेंसी की, कंसिस्टेंसी क्या होती है, इनकंसिस्टेंसी क्या होती है। अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन का एग्जिस्टेंस होता है तो हम कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, नो सॉल्यूशन होता है, तो हम कहते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन के और उनके सॉल्यूशंस की। तो सबसे पहले हेडिंग लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सो राइट डाउन द हेडिंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। इसमें हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो देखिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन दो टाइप का है, नंबर वन होमोजीनियस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। दो तरीके के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं, नंबर वन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा है आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। दूसरा है आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन एक है होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दूसरा है नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे कि होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करते हैं होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। मान लीजिए कि आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर जीरो, और दूसरी इक्वेशन दी गई है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर जीरो। तो ये हमारे पास एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स, उसमें दो वेरिएबल्स हैं, और आप देख रहे हैं कि ए वन बी वन ए टू बी टू कॉन्स्टेंट्स हैं, ए वन बी वन और ए टू बी टू कॉन्स्टेंट्स हैं। तो ये एक वन डिग्री का टर्म है, ये एक वन डिग्री का टर्म है, ये एक वन डिग्री का टर्म है, ये एक वन डिग्री का टर्म है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल में एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जो कि वन डिग्री है, वन डिग्री का एक होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर हम इक्वेशन लेते हैं सपोज ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर जीरो और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर जीरो। तो यहां पर देखिए तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल हैं, इस टर्म की डिग्री वन है, इस टर्म की डिग्री वन है, इस टर्म की डिग्री वन है। तो हर एक टर्म की डिग्री वन है, सेम है, इसलिए आप कह रहे हैं कि होमोजीनियस सिस्टम है और इसमें तीन वेरिएबल्स हैं जबकि इसमें दो वेरिएबल्स हैं। तो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जबकि ये होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है। तो ये हमारे पास थ्री वेरिएबल में होमोजीनियस सिस्टम है जबकि ये हमारे पास टू वेरिएबल में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। अगर आप बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो ये हमारे पास एक लाइन है y बराबर एम एक्स प्लस सी एम एक्स, वाई बराबर एम एक्स टाइप की। जैसे हम अगर बी वन वाई बराबर ए वन एक्स को राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लें और बी वन से डिवाइड कर लें, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास वाई बराबर एम एक्स टाइप की एक लाइन है। दूसरी हमारे पास ये लाइन है y बराबर माइनस ए टू एक्स, ए टू एक्स को आपने राइट हैंड साइड में ट्रांसफर किया और बी टू से डिवाइड कर लिया। तो ये हमारे पास दो लाइनें हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन, और ये हमारे पास दो प्लेन्स हैं। जब आप 3D पढ़ेंगे तो मैं आपको प्लेन की इक्वेशन बताऊंगा। तो ये हमारे पास तीन प्लेन्स हैं जो कि ओरिजिन से पास होने वाले प्लेन्स हैं। तो ये हमारे पास दो लाइनें पासिंग थ्रू द ओरिजिन है जबकि ये हमारे पास तीन प्लेन्स हैं पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये हमारे पास होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। इसी तरीके से अगर हम नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन की बात करते हैं, तो हमारे पास ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर सी वन
और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू, ये हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इस टर्म की डिग्री वन, कि ए वन बी वन सी वन ये सब कांस्टेंट है, ए टू बी टू सी टू कांस्टेंट है, ये हमारे पास वन डिग्री है, ये हमारे पास वन डिग्री है, ये जीरो डिग्री है, तो इसकी डिग्री वन, इसकी डिग्री वन और इसकी डिग्री जीरो, तो ये हमारे पास हर एक टर्म की डिग्री सेम है, जैसे इन दोनों टर्म की डिग्री वन है जबकि इसकी डिग्री जीरो है, तो हर एक टर्म की डिग्री सेम है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इन टू वेरिएबल, जबकि इसको आप कह सकते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास तीन वेरिएबल में एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये वन डिग्री का टर्म है, ये वन डिग्री का टर्म है, ये वन डिग्री का टर्म है, जबकि ये जीरो डिग्री का टर्म है, तो किसी भी हर एक टर्म की डिग्री सेम नहीं है, इसलिए ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल है। ये टू वेरिएबल में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, ये थ्री वेरिएबल में नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अगर हम इस इक्वेशन को ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन को अगर आप लिखें, तो आप लिख सकते हैं बी वन वाई बराबर माइनस ए वन एक्स प्लस सी वन, और बी वन से डिवाइड कर लें, तो वाई बराबर माइनस ए वन बाई बी वन इंटू एक्स प्लस सी वन बाई बी वन, ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की एक लाइन है। इसी तरीके से दूसरी लाइन को आप लिख सकते हैं, इस लाइन को आप लिख सकते हैं वाई बराबर माइनस ए टू एक्स अपॉन बी टू और प्लस सी टू बाई बी टू। तो ये हमारे पास दो लाइनों की इक्वेशंस हैं जो कि नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी। उसी तरीके से ये अगर तीन वेरिएबल की बात करेंगे तो ये तीन प्लेन्स हैं नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो जब हम लोग वेक्टर 3D में आएंगे तो वेक्टर 3D में हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ही, ये आप कहेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन है, वेक्टर 3D में आप कहेंगे कि ये प्लेन है। तो हम लोग जो कई सारे प्रॉब्लम्स वेक्टर 3D में होते हैं जिनको हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन की हेल्प से ही सॉल्व करते हैं। तो अभी हम लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि अगर आपके पास ये इक्वेशन दी गई है, तो जैसे क्लास 8th में हम लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते थे कि इन दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट की जाती थी, बिल्कुल उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेट करके देखेंगे कि क्लास 8th में जैसे हम लोग इन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालते थे, उसी तरीके से हम लोग यहां पर एक्स और वाई की वैल्यू कैलकुलेट करके देखेंगे कि ये क्या निकल के आती है, फिर हम लोग उसको आगे लिखने का दूसरा तरीका यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग टू वेरिएबल्स की नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखते हैं, किस तरीके से हम लोग क्लास 8th में सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी तरीके से उसको सॉल्व करने का तरीका हम लोग यहां पर देखेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो आपके पास इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, और दूसरा इक्वेशन है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्वल टू सी टू। मान लीजिए हम एक्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमने क्या किया कि वाई के कोफिशियंट को हमने सेम बनाया, तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ये है हमारे पास, ये सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में आपने बी टू से और सेकेंड इक्वेशन में आपने बी वन से मल्टीप्लाई किया, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन में बी टू से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन में बी वन से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दिया, तो आप लिख सकते हैं ए वन बी टू एक्स बी वन बी टू वाई इक्वल टू सी वन बी टू। यह आपने फर्स्ट इक्वेशन में बी टू से मल्टीप्लाई किया और सेकेंड इक्वेशन में आपने बी वन से मल्टीप्लाई किया, तो ए टू बी वन एक्स प्लस बी वन बी टू वाई बराबर सी टू बी वन, और दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट कर लीजिए, तो सबट्रैक्ट करने पर आपको मिलेगा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन एक्स बराबर सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन, तो एक्स बराबर सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ये हमारे पास एक्स का वैल्यू आ गया, जैसे आपने इन दोनों को सॉल्व करके एक्स निकाला उसी तरीके से हम वाई कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वाई को कैलकुलेट करने के लिए आपने फर्स्ट इक्वेशन में वाई कैलकुलेट करना है, तो आपने एक्स के कोफिशियंट को सेम बनाया, तो फर्स्ट इक्वेशन में ए टू से और सेकेंड इक्वेशन में ए वन से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन में आपने ए टू से और सेकेंड इक्वेशन में ए वन से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट किया, तो आप लिख सकते हैं यहां पर ए वन ए टू एक्स प्लस ए टू बी वन वाई
प्लस सी वन ए टू और सेकेंड इक्वेशन में ए वन से, तो ए वन ए टू एक्स प्लस ए वन बी टू वाई प्लस सी टू ए वन, और दोनों इक्वेशन को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एक्स वाला टर्म कैंसिल हो गया और ये मिला आपको ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू वाई बराबर सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन। तो वाई बराबर आप लिख सकते हैं सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन डिवाइडेड बाई ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू। तो ये आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट किया है। तो आपके पास देखिए एक्स की वैल्यू आ चुकी है, आपको यहां पर एक्स का वैल्यू मिला है सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन डिवाइडेड बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, और y का वैल्यू आपको मिला है c1 a2 माइनस c2 a1 डिवाइडेड बाई a2 b1 माइनस a1 b2। अब देखिए यहां पर इसमें a1 b2 माइनस a2 b1 है, इसमें a2 b1 माइनस a1 b2, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने क्या किया, इससे डिनोमिनेटर से एक माइनस साइन कॉमन लिया a1 b2 माइनस a2 b1, और इसे भी माइनस साइन कॉमन लिए तो आप लिख सकते हैं सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू, माइनस माइनस कैंसल। अब देखिए अब आपके पास ये आ गया, तो सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन और ये है ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, दोनों के डिनोमिनेटर आपने सेम बना लिए। अब आप इसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं ए वन ए टू बी वन बी टू, आप इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख सकते हैं ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, इसको आप डिटरमिनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। उसी तरीके से आप इसे लिख सकते हैं ए वन ए टू बी वन बी टू, इसे लिख सकते हैं। अब देखिए यहां पर जो वैल्यू है सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन, सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन, इसे हम लिख सकते हैं सी वन सी टू और बी वन बी टू, सी वन बी टू माइनस सी टू बी वन, और आप इसे लिख सकते हैं ए वन ए टू सी वन सी टू, ए वन सी टू माइनस सी टू ए वन, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। इसे हम कहते हैं कि हमारे पास डेल्टा वन डिटरमिनेंट है, इसको हम लोग डेल्टा बोलते हैं, तो ये दोनों में सेम है तो इसकी भी वैल्यू डेल्टा होगी, और इसको हम डेल्टा वन और इस डिटरमिनेंट को हम डेल्टा टू लिखते हैं। तो x का वैल्यू आ गया डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और y का वैल्यू आ गया डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। तो x की वैल्यू आपको मिली यहां पर, x का वैल्यू है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और y का वैल्यू है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, जहां पर डेल्टा ये वाला डिटरमिनेंट है, डेल्टा वन ये डिटरमिनेंट है, डेल्टा वन x के करस्पॉन्डिंग है, डेल्टा टू y के करस्पॉन्डिंग है। तो डेल्टा वन x में आता है, डेल्टा टू y में आता है। अगर हम तीन वेरिएबल की बात करते तो वहां पर जेड आता जिसकी वैल्यू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा होता, तो डेल्टा थ्री जेड के करस्पॉन्डिंग होता है, तो डेल्टा वन एक्स करस्पॉन्डिंग है, डेल्टा टू वाई करस्पॉन्डिंग है, और ये हमारे पास डेल्टा डिटरमिनेंट है। तो आप देखना है कि डेल्टा 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 वन और डेल्टा टू किस तरीके से हम बनाते हैं। तो आपने ये देखा सॉल्व करके क्लास एट वाले मेथड से कि एक्स और वाई की वैल्यूज क्या है। इसी तरीके से अगर हम तीन वेरिएबल लेते तो हमें जेड मिलता जिसकी वैल्यू हमारे पास डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा थी, उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा, तो हमने कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए टू वेरिएबल का एग्जांपल लेकर के आपको ये दिखाने की कोशिश की है कि एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज क्या आती हैं। तो यहां पर आपको एक्स मिला है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और वाई मिला है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। तो हम लोगों ने टू वेरिएबल में सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके देखा कि एक्स की वैल्यू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और डेल्टा टू अपॉन वाई का वैल्यू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा मिला। अब हम डेल्टा डेल्टा वन और डेल्टा टू डिटरमिनेंट को डायरेक्टली लिखने का तरीका देखना चाहते हैं। तो ये हमारे पास टू वेरिएबल का इक्वेशन था ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्व टू सी वन और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्व टू सी टू। एक्स की वैल्यू आपको मिली थी डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और वाई का वैल्यू आपको मिला था डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, जहां पर डेल्टा डिटरमिनेंट आपने देखा था कि जो डेल्टा डिटरमिनेंट था वो ए वन ए टू बी वन बी टू था, मतलब एक्स वाई के कोफिशियंट से बना हुआ डिटरमिनेंट। डेल्टा वन
डेल्टा वन एक्स करस्पॉन्डिंग था, तो एक्स के कोफिशियंट हटाइए उसकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट्स को रखिए, एक्स के कोफिशियंट को हटा करके उसकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट को रखिए, तो सी वन सी टू बी वन बी टू, सी वन सी टू बी वन बी टू, ये डिटर्मिनेंट आपको डेल्टा वन मिली थी, और डेल्टा टू वाई में था, तो वाई के कोफिशियंट को हटाइए और उसके इन कॉन्स्टेंट को रखिए, तो ए वन ए टू सी वन सी टू, ए वन ए टू सी वन सी टू, तो ये हमारे पास डेल्टा टू डिटर्मिनेंट है। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल का प्रॉब्लम था जिसमें x का वैल्यू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y का वैल्यू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और आपने देखा कि ये डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डिटर्मिनेंट है, इनको कैसे लिखा, डेल्टा डिटर्मिनेंट एक्स वाई के कोफिशियंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है, डेल्टा वन एक्स में आता है तो एक्स के कोफिशियंट को हटा करके उसकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट्स को रखेंगे तो सी वन सी टू बी वन बी टू ये डिटर्मिनेंट बनेगा, और डेल्टा टू वाई में आता है तो वाई कोफिशियंट को हटा करके उसकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट को रखेंगे तो ए वन ए टू सी वन सी टू ये आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा। इस तरीके से हम लोग डिटर्मिनेंट बनाते हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा बनाते हैं। सपोज आपके पास थ्री वेरिएबल का इक्वेशन है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री, तो आपको x का वैल्यू मिलेगा डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y का वैल्यू मिलेगा डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और z का वैल्यू मिलेगा डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। अब आप देखिए कि हम डेल्टा वन डेल्टा टू और डेल्टा थ्री और डेल्टा डिटर्मिनेंट को कैसे लिख सकते हैं, तो डेल्टा डेल्टा डिटर्मिनेंट एक्स वाई जेड के कोफिशियंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है, तो ए वन बी वन सी वन, ए टू बी टू सी टू, ए थ्री बी थ्री सी थ्री, तो डेल्टा एक्स वाई जेड के कोफिशियंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट, तो पहला कॉलम ए वन ए टू ए थ्री, दूसरा कॉलम बी वन बी टू बी थ्री, तीसरा कॉलम सी वन सी टू सी थ्री, ये हमारे पास डेल्टा डिटर्मिनेंट है। अगर आप डेल्टा वन कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा वन एक्स में आता है, तो एक्स के कोफिशियंट्स को हटाइए और उसकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट को रखिए, तो पहला कॉलम डी वन डी टू डी थ्री हो जाएगा, पहला कॉलम डी वन डी टू डी थ्री, फिर बी वन बी टू बी थ्री और सी वन सी टू सी थ्री, डेल्टा टू वाई कोरेस्पॉन्डिंग होता है तो वाई के कोफिशियंट को यहां से हटाइए, उसकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट को रखिए, तो पहला कॉलम ए वन ए टू ए थ्री, पहला कॉलम ए वन ए टू ए थ्री, दूसरा कॉलम डी वन डी टू डी थ्री और तीसरा कॉलम सी वन सी टू सी थ्री। इसी तरीके से अगर हम डेल्टा थ्री कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा थ्री जेड के कोरेस्पॉन्डिंग है, जेड के कोफिशियंट्स को हटाइए और उनकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट को रखिए, तो पहला कॉलम ए वन ए टू ए थ्री, दूसरा कॉलम बी वन बी टू बी थ्री और तीसरा कॉलम डी वन डी टू डी थ्री, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री और डी वन डी टू डी थ्री। तो ये हम इस तरीके से एक्स वाई जेड का वैल्यूज निकाल सकते हैं, साथ में एक्स वाई जेड में जो आपके पास डिटर्मिनेंट आ रही है डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, उन डिटर्मिनेंट को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास दो वेरिएबल और तीन वेरिएबल की इक्वेशंस को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके आपने एक्स वाई जेड लिखने का तरीका देख लिया है। अब देखिए हम लोग होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए देखते हैं कि जैसे आपके पास दो वेरिएबल का होमोजीनियस सिस्टम है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्व टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई इक्व टू जीरो, तो आप x को लिखते हैं डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और y को लिखते हैं डेल्टा टू अपॉन डेल्टा। अगर आप डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डिटर्मिनेंट यहां पर फॉर्म करते हैं तो डेल्टा, तो जो आपके पास डेल्टा होता है वो एक्स वाई के कोफिशियंट से बनने वाला डिटर्मिनेंट है, तो ए वन ए टू बी वन बी टू। अगर आप डेल्टा वन देखते हैं, डेल्टा वन एक्स कोरेस्पॉन्डिंग होता है, एक्स कोफिशियंट को हटाइए उसकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट को रखिए, तो आप लिख सकते हैं जीरो जीरो और बी वन बी टू, तो आप देख रहे हैं इसका एक पूरा कॉलम जीरो हो गया, तो डेल्टा वन जीरो होगा। अगर आप डेल्टा टू देखते हैं, डेल्टा टू वाई कोरेस्पॉन्डिंग होता है तो वाई कोफिशियंट हटा करके उनकी जगह कॉन्स्टेंट रखिए, तो आपको मिलेगा ए वन ए टू और दूसरा कॉलम जीरो जीरो, तो अगर एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो है तो उसकी वैल्यू जीरो जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि डेल्टा के अलावा डेल्टा वन डेल्टा टू दोनों आपको जीरो मिल रहे हैं। तो एक्स का वैल्यू डेल्टा वन जीरो डेल्टा टू जीरो, डेल्टा कैलकुलेट करने पे पता चलेगा कि ए वन बी टू और ए टू बी वन
ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन का वैल्यू क्या आएगा, तो डेल्टा वन डेल्टा टू की वैल्यू हमेशा जीरो होगी। डेल्टा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा तब पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या मिलेगी। अगर हम तीन वेरिएबल में आते हैं, अगर आप तीन वेरिएबल में आते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर जीरो और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर जीरो, एक्स का वैल्यू डेल्टा वन अपान डेल्टा, वाई का वैल्यू डेल्टा टू अपान डेल्टा और जेड का वैल्यू डेल्टा थ्री अपान डेल्टा। तो अगर आप यहां से डेल्टा कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा आपको मिलेगा एक्स वाई जेड के कोफिशियंट से बनने वाला डिटरमिनेंट। तो पहला कॉलम ए वन ए टू ए थ्री, दूसरा कॉलम बी वन बी टू बी थ्री और तीसरा कॉलम सी वन सी टू सी थ्री। तो आपको मिलेगा ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ये आ गया आपके पास डेल्टा डिटर्मिनेंट। डेल्टा वन, डेल्टा वन एक्स करस्पॉन्डिंग है, एक्स के कोफिशिएंट को हटाइए और उसकी जगह पे इन कांस्टेंट को रखिए, तो जीरो जीरो जीरो, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। तो आप देख रहे हैं कि इसका एक पूरा कॉलम जीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा वन की वैल्यू जीरो हो गई। अगर आप डेल्टा टू कैलकुलेट करते हैं तो डेल्टा टू वाई करस्पॉन्डिंग होता है, वाई के कोफिशियंट को हटाइए, उनकी जगह पे इन कांस्टेंट को रखिए जो कि जीरो है। तो पहला कॉलम ए वन ए टू ए थ्री मिलेगा, दूसरा कॉलम जीरो जीरो जीरो, तीसरा कॉलम सी वन सी टू सी थ्री। और आप देख रहे हैं इसका दूसरा कॉलम जीरो हो गया, इसका मतलब डेल्टा टू का वैल्यू जीरो हो गया। अगर हम यहां से डेल्टा थ्री कैलकुलेट करते हैं जो कि जेड करस्पॉन्डिंग होता है, तो जेड के कोफिशियंट को हटाएंगे और उनकी जगह पे इन कॉन्स्टेंट को रखेंगे जीरो जीरो जीरो। तो आपको मिलेगा ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, जीरो जीरो जीरो, और इसका तीसरा कॉलम पूरा जीरो हो गया, तो डेल्टा थ्री की वैल्यू जीरो हो गई। तो आप देख रहे हैं कि अगर होमोजीनियस सिस्टम है तो उसमें अगर दो वेरिएबल में है तो डेल्टा वन डेल्टा टू जीरो होंगे, अगर तीन वेरिएबल में है तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो होगा। डेल्टा आपको कैलकुलेट करना होगा, तो केवल एक ही डिटर्मिनेंट आपको कैलकुलेट करनी होगी डेल्टा, वो हो सकता है जीरो आए, हो सकता है जीरो ना आए, लेकिन बाकी जितनी भी डिटर्मिनेंट्स आप बनाते हैं डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री एक्स वाई जेड के कोरिस्पॉन्डिंग, वो डिटर्मिनेंट सभी आपको जीरो मिलेंगी। तो इस तरीके से हम होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस के लिए एक्स वाई और जेड के करस्पॉन्डिंग जो डिटर्मिनेंट्स हैं डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए अब हम लोगों ने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देख लिया है कि किस तरीके से हम एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू जेड की वैल्यू डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डिटर्मिनेंट्स को कैलकुलेट करते हैं। और आपने ये देखा कि अगर होमोजीनियस सिस्टम होता है तो उसके डेल्टा के अलावा बाकी जो बची हुई डिटर्मिनेंट्स होती हैं डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री दे ऑल आर जीरो। अब हम देखना चाहते हैं कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि अगर आप होमोजीनियस सिस्टम की बात करते हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर जीरो, अगर आप यहां से y कैलकुलेट करते हैं तो बी वन वाई बराबर माइनस का ए वन एक्स, सिमिलरली बी टू वाई बराबर माइनस ए टू एक्स, और यहां से y निकालेंगे तो आपको मिलेगा माइनस का ए वन बाई बी वन एक्स, और आप यहां से y निकालेंगे तो माइनस का ए टू बाई बी टू एक्स। तो ये दोनों y बराबर एम एक्स टाइप की लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स हैं जो कि y बराबर एम एक्स टाइप की लाइन्स हैं। अगर आप इन दो लाइनों को ड्रॉ करते हैं, मान लीजिए एक लाइन को आप ब्लैक कलर से बना रहे हैं और दूसरी लाइन को आप रेड कलर से बना रहे हैं, तो दोनों हो सकता है कि लाइनें ऐसी हों, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2, हो सकता है दो लाइनें इस तरीके की हों जो कि ओरिजिन पर कट कर रही हैं, मतलब ये दो लाइनें ओरिजिन पर तो कट करेंगी, मतलब एक्स और वाई दोनों जीरो कामा जीरो तो सेटिस्फाई करेंगे, जीरो जीरो दोनों को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो दोनों का एक सोल्यूशन जीरो जीरो तो होगा ही। हो सकता है कि लाइनें इस तरीके की हो, एक लाइन आपके पास ऐसी हो और दूसरी लाइन इसी के ऊपर ओवरलैप कर रही हो, और अगर ओवरलैप कर जाएगी तो ये इनफाइनाइट पॉइंट पे कट करेगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो L1 और L2 ओवरलैप कर गए, तो यहां पर देखिए आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है जीरो जीरो, यूनिक सॉल्यूशन।
यूनिक सॉल्यूशन और यहां पर ओवरलैपिंग हो रही है इनफाइनाइटली, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसमें जीरो जीरो तो मिल ही रहा है, जीरो जीरो के साथ साथ बहुत सारे एक्स और वाई मिल रहे हैं जो कि नॉन जीरोज हैं, तो हम कहते हैं कि इस सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस का मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस, मतलब जीरो जीरो तो है ही, साथ में उसमें नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन जीरो जीरो, इसको बोलते हैं ट्रिवियल सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन। ठीक है, जब यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा तो जीरो जीरो तो होमोजेनस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का जीरो जीरो तो सॉल्यूशन होता ही है, अगर जीरो जीरो के साथ नॉन जीरो सॉल्यूशन भी मिल लगे तो हम कहते हैं कि वो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है। और कभी ऐसा नहीं होगा कि दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे, कम से कम 1.00 पे तो कट करेगी। तो अगर किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तो हम कहते हैं सिस्टम कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम कहते हैं सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो आप कहोगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो हम कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। तो जो होमोजीनियस सिस्टम्स होते हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। अगर हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की बात करते हैं, जो कि आपके पास है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई इक्वल टू सी वन, और दूसरी लाइन है आपके पास ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर सी टू, जिसे आप लिख सकते हैं बी वन वाई इक्वल टू माइनस का ए वन एक्स प्लस का सी वन, और आप यहां से लिख सकते हैं बी टू वाई इक्वल्स टू माइनस का ए टू एक्स प्लस सी टू, और आप यहां से बी वन से डिवाइड करिए तो वाई इक्वल्स टू माइनस का ए वन बाई बी वन एक्स प्लस सी वन बाई बी वन, और आप यहां से लिख सकते हैं वाई बराबर माइनस ए टू बाई बी टू एक्स प्लस सी टू बाई बी टू। ये वाई बराबर एम एक्स प्लस सी टाइप की लाइन है, y बराबर mx प्लस c टाइप की जो लाइन होती है वो नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन होती हैं। तो अगर आप इन दो लाइनों को ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों लाइनों में जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक लाइन मान लीजिए ये एल वन लाइन है, और दूसरी लाइन मान लीजिए आपके पास ये एल टू लाइन है, ये किसी पॉइंट पर कट कर रहा है, ये एक्स वन है और ये वाई वन है, तो ये दो लाइनें एक पॉइंट पे कट कर रही है, तो आप कहोगे यूनिक सोल्यूशन मिल रहा है। तो पहले देख लेते हैं कितनी पॉसिबिलिटी यहां पर हो सकती है। तो हो सकता है दो लाइनें एक दूसरे को कट कर रही हो सकता है कि एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए, हो सकता है कि दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो कि दूसरी लाइन पहली वाली लाइन के ऊपर ओवरलैप कर जाए। जब ओवरलैप करेगा तो उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइट इंटरसेक्शन आपको मिलेंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये। तीसरी पॉसिबिलिटी आपके पास ये हो सकती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाए, जब पैरेलल हो जाएगा तो उसमें कोई भी इंटरसेक्शन आपको नहीं मिलेंगे, और जब इंटरसेक्शंस नहीं मिलेंगे तो आप कहोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन। तो यहां पर आपको यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, और ये नो सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन। यहां पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है क्योंकि एक इंटरसेक्शन है, यहां पर इनफाइनिटली मिले सॉल्यूशन मिल रहे हैं, और ये दोनों अगर सॉल्यूशन मिल रहा है तो आप कहोगे सिस्टम कंसिस्टेंट है, सिस्टम कंसिस्टेंट है, और जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तब आप कहोगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो जब सॉल्यूशन मिलेगा, चाहे वो यूनिक सॉल्यूशन हो चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, जब सॉल्यूशन मिलेगा तो आप कहोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरीके से हम लोग कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी की बात करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस के लिए सारी कंडीशन देख ली है, अब हम लोग उसको फ्लो डायग्राम के फॉर्म में लिख लेते हैं, जिससे कि हमें यह क्लियर कट पता रहे कि किसी होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन का, सिस्टम ऑफ इक्वेशन का कब आपको यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब उसका
इनफाइनेटली मिनी सोल्यूशन मिलेगा, कब उसका नो सोल्यूशन मिलेगा, कब वो सिस्टम कंसिस्टेंट होगा और कब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। तो अगर हम बात करते हैं होमोजीनियस सिस्टम की, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, जो आपको पता है कि इस तरीके का होता है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई बराबर जीरो, जहां पर x का वैल्यू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y का वैल्यू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और अगर तीन वेरिएबल है तो डेल्टा थ्री बराबर जीरो। अगर मान लीजिए तीन वेरिएबल की आप बात करते हैं, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर जीरो, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर जीरो, तो जेड का वैल्यू आपको मिलेगा डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। आप जानते हैं कि आप सभी डिटर्मिनेंट लिखना सीख चुके हैं कि डेल्टा क्या होता है, डेल्टा वन क्या होता है, डेल्टा टू क्या होता है, डेल्टा थ्री क्या होता है, और आप जानते हैं कि होमोजीनियस के लिए डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री ये सभी जीरो होती है, इनको कैलकुलेट नहीं करना होता है। डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री दे आल आर जीरो, टू वेरिएबल है तो डेल्टा वन और डेल्टा थ्री, तीन वेरिएबल है तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, ये तीनों डिटर्मिनेंट आपको जीरो मिलेगी। तो हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा, हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा, हम डेल्टा डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा की वैल्यू या तो जीरो के बराबर आएगी या नहीं आएगी, या तो डेल्टा की वैल्यू जीरो होगी या नहीं होगी। अगर डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है तो आपको पता है कि x बराबर डेल्टा वन अपॉन डेल्टा और y बराबर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, डेल्टा वन जीरो है, डेल्टा टू भी जीरो है, डेल्टा अगर जीरो नहीं मिला तो x बराबर जीरो y बराबर जीरो, x बराबर जीरो y बराबर जीरो हो जाएगा और आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, आपको यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। और अगर सोल्यूशन मिला, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, इसी को आप बोलते हैं ट्रीवियल सोल्यूशन, इसी को आप बोलते हैं ट्रीवियल सोल्यूशन। और अगर सोल्यूशन मिला तो आप कहते हैं सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर आपने डेल्टा निकाला और डेल्टा की वैल्यू भी जीरो आ गई, अगर डेल्टा निकाला और डेल्टा की वैल्यू भी जीरो आ गई तो एक्स बराबर डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई बराबर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और जेड बराबर डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। अगर हम तीन वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो आप यहां पर जेड भी लिख सकते हैं, जेड बराबर डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, तो जीरो अपॉन डेल्टा, तो जेड का वैल्यू जीरो। तो ये अगर तीनों वैल्यू जीरो आती है, मतलब यूनिक सोल्यूशन मिलता है, तो हम कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सोल्यूशन मिलना, जिसको आप बोलते हैं कि ट्रीवियल सोल्यूशन। अगर डेल्टा की वैल्यू भी जीरो आ गई तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री, जैसे इसको डेल्टा को मल्टीप्लाई कर लें तो डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, डेल्टा इंटू वाई बराबर डेल्टा टू, डेल्टा इंटू जेड बराबर डेल्टा थ्री, डेल्टा भी जीरो हो गया, डेल्टा वन भी जीरो हो गया, डेल्टा भी जीरो हो गया, डेल्टा टू डेल्टा जीरो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो। तो अगर ये कंडीशन आ गई तो आप देखिए, अगर हम यहां पर एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू रखें तो जीरो बराबर जीरो एक आइडेंटिटी मिलेगा। और अगर ऐसा हुआ तो चाहे एक्स वाई जेड जीरो हो या कोई भी नॉन जीरो वैल्यू हो, हर एक एक्स वाई जेड की नॉन जीरो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो आप कहोगे यहां पर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, अगर इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशंस, तो यहां पर जीरो जीरो के साथ साथ नॉन जीरो सोल्यूशन भी मिलने, तो हम कहेंगे नॉन ट्रीवियल सोल्यूशंस। और अगर सोल्यूशन मिला तो आप कहोगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो जब भी हमें होमोजीनियस सिस्टम की बात करनी होगी, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि आपको पता है कि वो जीरो होंगे। आपको डेल्टा निकालना होगा, डेल्टा की वैल्यू या तो जीरो के बराबर आएगी या जीरो के बराबर नहीं आएगी। अगर डेल्टा जीरो के बराबर नहीं हुआ तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो है, नीचे वाली वैल्यू जीरो नहीं है, तो जीरो अपॉन नॉन जीरो वैल्यू जब डिवाइड करोगे तो एक्स वाई जेड जीरो 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 मिलेंगे।
इसका मतलब है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला एक यूनिक सोल्यूशन है जीरो जीरो जीरो, तो जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिवियल सोल्यूशन। और सोल्यूशन मिला तो हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर डेल्टा आपने निकाला और डेल्टा जीरो के बराबर नहीं आया, डेल्टा जीरो के बराबर आ गया, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिए एक्स बराबर जीरो बाई जीरो, वाई बराबर जीरो बाई जीरो, जेड बराबर जीरो बाई जीरो, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई लिख सकते हैं डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, डेल्टा इंटू वाई बराबर डेल्टा टू, डेल्टा इंटू जेड बराबर डेल्टा थ्री, डेल्टा डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सब जीरो है। तो जीरो इंटू एक्स बराबर जीरो, जीरो इंटू वाई बराबर जीरो, जीरो इंटू जेड बराबर जीरो, तो एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू जीरो जीरो के साथ साथ कोई भी नॉन जीरो वैल्यू भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। अगर सॉल्यूशंस मिल रहा है और वो जीरो जीरो के अलावा नॉन जीरो सॉल्यूशंस भी है तो हम कहते हैं उसको नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन अगर मिला तो आप कहते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। तो ये उसका फ्लो डायग्राम है जिसकी हेल्प से हम होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हम लोग फ्लो डायग्राम बनाएंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन के लिए, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो आपके पास इक्वेशन है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड बराबर डी टू, और ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड बराबर डी थ्री। तो ये हमारे पास तीन वेरिएबल की इक्वेशन है। एक्स को आप लिख सकते हैं डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई को लिख सकते हैं डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और जेड को लिख सकते हैं डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। तो ये हम डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डेल्टा बनाना सब सीख चुके हैं। अब हम इसका फ्लो डायग्राम बनाना चाहते हैं। तो जब भी आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन के सॉल्यूशन देखने होंगे तो सबसे पहले आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे और डेल्टा कैलकुलेट करके चेक करेंगे कि डेल्टा की वैल्यू क्या आती है। डेल्टा आपने कैलकुलेट किया, डेल्टा की वैल्यू या तो जीरो के बराबर आएगी या जीरो के बराबर नहीं आएगी। अगर डेल्टा आपने कैलकुलेट किया और डेल्टा जीरो के बराबर नहीं मिला तो एक्स का वैल्यू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई का वैल्यू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और जेड का वैल्यू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। तो डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है तो डिनोमिनेटर जीरो के बराबर नहीं है, न्यूमरेटर कुछ भी हो चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो आपको एक्स वाई जेड की एक एक वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, अगर डेल्टा जीरो के बराबर नहीं है तो एक्स वाई जेड की आपको एक एक वैल्यू मिलेगी, आप कहेंगे यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। और सोल्यूशन अगर मिला तो आप कहोगे सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट। अगर सोल्यूशन मिल रहा है तो आप कहेंगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। अगर आपने डेल्टा निकाला और डेल्टा कैलकुलेट करने पर डेल्टा की वैल्यू जीरो आ गई तो हम यहां पर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कैलकुलेट करेंगे, हम डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कैलकुलेट करेंगे, ये वैल्यू या तो जीरो के बराबर आएगी या नहीं आएगी, ये या तो जीरो के बराबर होगी या नहीं होगी। अगर डेल्टा जीरो हुआ फिर आपने डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कैलकुलेट किया तो एक्स का वैल्यू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई का वैल्यू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, और जेड का वैल्यू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, जिसे आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, डेल्टा इंटू वाई बराबर डेल्टा टू, डेल्टा इंटू जेड बराबर डेल्टा थ्री। डेल्टा जीरो है, डेल्टा जीरो है, डेल्टा जीरो है, डेल्टा वन, तो एक्स वाई जेड कुछ भी आप लें इधर तो जीरो हो गया और इधर एक नॉन जीरो वैल्यू लिखी गई है, तो जीरो बराबर एक नॉन जीरो वैल्यू, मतलब एक्स वाई जेड कोई भी एक्स वाई जेड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो अगर डेल्टा जीरो है और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो के बराबर नहीं है तो नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, क्योंकि आपको जो इक्वेशन मिलेगी जीरो बराबर सम नॉन जीरो वैल्यू जो कि कभी किसी भी एक्स वाई जेड की वैल्यूज के लिए बराबर नहीं होंगे, तो नो सॉल्यूशन। और अगर नो सॉल्यूशन मिला तो आप कहोगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है, सिस्टम इन
सिस्टम इनकंसिस्टेंट। अगर आपने डेल्टा कैलकुलेट किया और डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो हो गए तो आप लिख सकते हैं एक्स बराबर डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई बराबर डेल्टा टू अपॉन डेल्टा, जेड बराबर डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा, डेल्टा इंटू एक्स बराबर डेल्टा वन, डेल्टा इंटू वाई बराबर डेल्टा टू, डेल्टा इंटू जेड बराबर डेल्टा थ्री, डेल्टा जीरो, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो। तो आप देख रहे हैं कि जीरो बराबर जीरो, एक्स वाई जेड की कोई भी वैल्यू आप लेते हैं जीरो बराबर जीरो आपको मिलेगा। इसका मतलब है कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और अगर सॉल्यूशंस मिले तो आप कहोगे सिस्टम कंसिस्टेंट है। तो जब भी हमारे पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा और आपको इसके सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कशन करना होगा तो सबसे पहले आप डेल्टा निकालेंगे, डेल्टा निकाल के चेक करेंगे डेल्टा या तो जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा। अगर डेल्टा जीरो के बराबर नहीं आया तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहीं से कह देंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन आपको मिलेगा और सिस्टम कंसिस्टेंट होगा। अगर डेल्टा आपने निकाला और जीरो आया तब आप डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री डिटरमिनेंट्स को कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री निकालेंगे। अगर सभी एक साथ जीरो हो गई, अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री दे ऑल आर साइमल्टेनियसली जीरो देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन पॉजिसेस इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अगर डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री सभी एक साथ जीरो हुए तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। और अगर एक भी नॉन जीरो हो गया, अगर मान लीजिए कि डेल्टा वन डेल्टा टू जीरो हो गए डेल्टा थ्री जीरो नहीं हुआ तो डेल्टा वन डेल्टा टू मतलब एक्स वाई तो मिलेंगे लेकिन एक भी जेड नहीं मिलेगा, और एक भी जेड नहीं मिला तो आप एक भी सॉल्यूशंस नहीं दे पाएंगे, तो उस केस में आपको नो सॉल्यूशन। तो जब तीनों जीरो होंगे डेल्टा जीरो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री दे ऑल आर जीरो तो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और अगर एक भी नॉन जीरो हो गया तो उस केस में आपको नो सॉल्यूशन मिलेगा। तो आपने यहां पर सिस्टम ऑफ इक्वेशन नॉन होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का डिस्कशन कर लिया कि कब उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, कब आपको उसका इनफाइनिटी मेनी सॉल्यूशन मिलेगा, कब उसके नो सॉल्यूशन मिलेंगे। जब सॉल्यूशन मिलेगा तो आप कहेंगे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है, और जब सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो आप कहेंगे सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन की थ्योरी डिस्कस कर लिया, अब उससे रिलेटेड हम लोग प्रॉब्लम्स लगाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको फर्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, गिवन एक्स इक्वल टू सी वाई प्लस बी जेड, वाई को सू ए जेड प्लस सी एक्स, जेड इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई, वेयर एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी इज इक्वल्स टू, ऑप्शंस आपको दिए गए जीरो माइनस वन टू एंड वन, ये आपको इसके ऑप्शंस दिए गए। तो देखिए आपके पास जो इक्वेशन दिया गया है एक्स इक्वल्स टू सी वाई प्लस बी जेड, जिसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस बी जेड एक्स माइनस सी वाई माइनस बी जेड इक्वल्स जीरो। दूसरी इक्वेशन है वाई बराबर ए जेड प्लस सी एक्स, जिसे आप लिख सकते हैं सी एक्स माइनस वाई प्लस ए जेड बराबर जीरो। जेड बराबर बी एक्स प्लस ए वाई, जिसे हम लिख सकते हैं बी एक्स प्लस ए वाई माइनस जेड बराबर जीरो। तो आप देख रहे हैं कि एक होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, तो ये कांस्टेंट टर्म जीरो है, तो होमोजीनियस तीन वेरिएबल का होमोजीनियस सिस्टम है। अब कह रहा है कि
एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, मतलब आपको होमोजेनस में दो ही केस होते हैं, या तो ट्रिवियल सॉल्यूशन जिसमें सारे जीरो हो, और जिसमें दूसरा होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन जिसको आप बोलते हैं नॉन ट्रिवियल, मतलब नॉन जीरो। नॉन जीरो का यह मतलब नहीं होता कि केवल नॉन जीरो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, उसमें जीरो जीरो सॉल्यूशंस भी इंक्लूडेड हैं। तो जीरो जीरो के साथ जब नॉन जीरो सॉल्यूशन मिलते हैं तो हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल। तो आपको एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल जीरो, मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस की बात कर रहा है। तो फॉर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आपको पता है कि डेल्टा की वैल्यू जीरो जानी चाहिए, तो डेल्टा डिटरमिनेंट बनाइए। तो आप डेल्टा डिटरमिनेंट बनाएंगे एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट से बनने वाला डिटरमिनेंट, वन माइनस सी माइनस बी, सी माइनस वन ए, बी ए माइनस वन। इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा निकालते हैं वन, ये कॉलम और रो कैंसिल, वन माइनस का ए स्क्वायर, वन माइनस ए स्क्वायर, फिर प्लस का सी, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, माइनस सी माइनस का ए बी, माइनस का सी माइनस का ए बी और माइनस का बी, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, ए सी प्लस बी, ए सी प्लस बी, ये डेल्टा हो गया। अब आप इसको डेल्टा की वैल्यू जीरो होनी चाहिए, अब इसे लिख सकते हैं वन माइनस ए स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी सी माइनस का ए बी सी माइनस का बी स्क्वायर। अब देखिए आप ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का टू ए बी सी को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर लें तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी इक्वल्स टू वन। तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी का वैल्यू पूछा गया जो कि वन आ रहा है, जो इसका डी ऑप्शन है। तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसका नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द वैल्यू ऑफ के द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस के वाई प्लस थ्री जेड बराबर जीरो, एक्स प्लस के वाई प्लस थ्री जेड बराबर जीरो और टू एक्स प्लस के वाई माइनस टू जेड बराबर जीरो और टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस फोर जेड बराबर जीरो पॉजिसिस पॉजिसिस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन पॉजिसिस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस इज। ऑप्शंस आपको दिए गए टू फोर सिक्स और माइनस टू। तो आपके पास देखिए होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया गया है, आपको होमोजीनियस सिस्टम इक्वेशन दिया गया है और उसके नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशंस आपको चाहिए। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, और आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस तभी मिलते हैं जब उस डिटरमिनेंट का वैल्यू डेल्टा का वैल्यू जीरो होता है। तो डेल्टा डिटरमिनेंट बनाएंगे, आप लिख सकते हैं एक्स के कोफिशिएंट वन टू टू, वाई के कोफिशिएंट्स के थ्री, जेड के कोफिशिएंट्स थ्री माइनस टू माइनस फोर बराबर जीरो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं वन, ये कॉलम और रो कैंसिल, माइनस का फोर के और प्लस का सिक्स, फिर माइनस का के, ये कॉलम और ये रो कैंसिल, माइनस का एट प्लस का फोर, माइनस का एट प्लस का फोर और प्लस का थ्री, ये कॉलम और रो कैंसिल, सिक्स माइनस टू के, सिक्स माइनस टू के बराबर जीरो। अब आप इसे लिख सकते हैं माइनस फोर के प्लस सिक्स, ये माइनस फोर बचा, माइनस फोर इंटू माइनस के मिलके प्लस का फोर के और यह आ जाएगा 18 माइनस का 6 के बराबर जीरो। आप यहां लिख सकते हैं 4 के से ये 4 के कैंसल बचा 6 के और 18 और 6 मिलके 24, तो 24 माइनस 6 के बराबर जीरो, तो 6 के बराबर 24, तो के बराबर 4, के इक्वल्स टू 4 और 4 आप देख रहे हैं इसका बी ऑप्शन है, तो इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है।
आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम दिया गया है, द सिस्टम ऑफ इक्वेशन द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू वन, ए एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू टू ए पॉजिसिस। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, यूनिक सॉल्यूशन फॉर ए